तो वाले वगैरह फिर आगे आपका वीडियो का अपडेट देने के तो कैसे हम बात करते हैं टूर्नामेंट्स की। जो आज तीन टूर्नामेंट्स होंगे जिसमें सबसे पहला होगा अपथर्ट्स ई स्पोर्ट्स, कल भी हुआ था, जिसका ओवरऑल स्टैंडिंग आप अपनी स्क्रीन में देख ही सकते हो। और साथ में शाम में दो टूर्नामेंट होंगे ओएस ई स्पोर्ट्स, जिसका आज और कल फाइनल होगा, और दूसरा है वन प्लस का टूर्नामेंट, जिसका ओवरऑल स्टैंडिंग आप अपनी स्क्रीन में देख ही सकते हो। तो अब हम बढ़ते हुए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जो आ रही है नियो की तरफ से। नियो बात करते हैं फुल क्लैरिफिकेशन के साथ, जो भी उनके हेक्टर और बीच में हुआ था वो आप स्क्रीन में देख ही सकते हो। कोई पास्ट की प्रॉब्लम जो भी थी उसने वो मेरे को बोला कि उसका वैसा इंटेंशन नहीं था, जब वो बोला कि उसको ऑर्ग ने लिया, मतलब मेरे को हिट मिल रहा था तो उसने डिफेंड करने के लिए सब बोला। फिर उसके बाद मैंने भी बोला भाई देख मैंने भी अच्छे वे में बोला था, बट तूने वो डाल दिया स्टोरी, तो मेरे को गुस्सा आ गया। तो उसको कुछ और बात का गुस्सा आया था कि तुम लोग उसको हिट दे रहे थे और मैं रोका नहीं, बट एक्चुअली मैं रोका था। तो मैंने वो चीज़ उसको भी समझाई कि भाई मैंने रोका था, मैंने थोड़ा देर बाद मेरा ध्यान गया था चैट पे, जैसे मेरा ध्यान गया था तो मैंने रोक दिया था वो चीज़, मैंने मना कर दिया था। मैंने मॉड्स आप लोग को पता, मैंने आप लोग को बोला था कि टाइम आउट दो जो भी एकदम हिट दे रहे, ठीक है उनको टाइम आउट दो, ठीक है। तो वो चीज़ मैंने बोल दिया कि मैंने बोल दिया था। फिर मैंने बोला कि मेरे को गुस्से की बात करके तूने स्टोरी डाल दिया, तो उसने बोला कि हाँ उसको नहीं डालना चाहिए, तो उसने बहुत गुस्से गुस्से में स्टोरी डाला। तो फिर मैंने भी बोला मेरे को भी मतलब गुस्से गुस्से में लाइव नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि वो हीट ऑफ द मोमेंट पे हो गया। फिर हो गया एकदम शॉर्ट हो गया, फॉलो वॉलो कर रहे हैं एक दूसरे को, चिल एकदम, मतलब ऐसा बात क्या फर्स्ट टाइम में उससे रियल लाइफ में, तो मेरे को एकदम सेंसिबली लगा वो, फटाफट कोई आर्ग्यूमेंट नहीं था ना मैं ना वो, चीज़ें समझ गया। और बस अभी साथ में मिलकर ग्रो करना है जो भी चीज़ें हैं। इसी के साथ नहीं हो बात करते हैं कि उनका कन्वर्सेशन हुआ गोल्डी भाई के साथ, और जो भी उनके बीच में बात हुई उसका फुल एक्सप्लेनेशन आप स्क्रीन में देख सकते हो। कॉल है बोले मेरे को लोग टैग कर रहे, तूने कुछ बोला है कि मेरे को? मैंने बोला मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बस वो आपका वो देखा, क्या बोलते हैं वीडियो देखा, इसमें आप बोल रहे थे कि सीसीज लोग को नहीं पढ़ना चाहिए ये सब चीज़ों में, ये सब खिचड़े में जो भी है ये सब में नहीं पढ़ना चाहिए। तो आपने मेरे को लेके बोला ना, तो मैंने बोला कि यार ये तो अपना राइट है कि हैकर्स लोग अगर हैक कर रहे तो बोलना चाहिए ना अपने को कि गलत बात है ये। तो उन्होंने कहा कि मैं तेरे को लेके बोला ही नहीं था वो बात, मैं मतलब उन्होंने गॉडलाइक के कोई क्रिएटर को लेके बोला था, उसका नाम नहीं बता सकता, जो बहुत बज रहा था ये सीन होने का, बहुत बज रहा था, वीडियो बना दी थी, बहुत बज रहा था, बोला उसको लेके बोला, तेरे को लेके मैंने बोला ही नहीं था वो चीज़, क्योंकि मेरे को तेरे से कुछ है नहीं ऐसा होता। मैंने बोला हाँ वही जो भी है, बट मैंने भी कोई ऐसा गलत इंटेंशन में नहीं बोला। हाँ चैट, तो फिर किसी और को लेके बोला। हाँ, तो उसको लेके ही बोला कि तू तो बोला कि मैं देर को लेके मैंने नहीं बोला कुछ भी, तो मैंने बोला ठीक है सही बात है, मैंने भी ऐसा कुछ नहीं बोला, बाकी एकदम चिल। तो अब बढ़ते भाई नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जो आ रही है गोल्डी भाई की तरफ से। गोल्डी भाई यहाँ रिक्वेस्ट करते हुए नजर आए हैं स्नेहिल से, क्योंकि उनको उन प्लेयर के ऊपर भी वीडियो बनानी चाहिए जिन पर हैकिंग एलिगेशन लगे हैं, और वो फुल सपोर्ट करेंगे जो आप स्क्रीन में देख ही सकते हो। बस मैं स्नेहिल से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि न्यूट्रल होके, उसके पास और भी बहुत सारी चीज़ें पड़ी है, और वो अब तक भी टीम मायावी बोलता है बिकॉज उसके पीछे जो भी उसका रीजन होगा, बट मैं स्नेहिल से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसने एक दो और बड़े प्लेयर्स को एक्सपोज किया हुआ, जिसकी व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग और बहुत कुछ आपके पास पड़ा है, स्नेहिल आपके डिस्कॉर्ड में पड़ा है एंड आपको भी पता है किसकी बात हो रही है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस पर भी वीडियो बनाओ, और एक न्यूट्रल इंसान के जैसे, एक न्यूट्रल बंदे जैसे जो पूरी कम्युनिटी को क्लीन करने में लगा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि आप उन लोगों को भी एक्सपोज करें, लोगों के सामने लाए, सिंस आप पास्ट नहीं छोड़ना चाहते। एंड तो मैं चाहूँगा अगर आपके, अगर ये सोचे कि वो पास्ट में था तो उस हिसाब से ये सब भी पास्ट में था, तो मैं चाहूँगा आप न्यूट्रल बन के, जिस तरीके से हमने आपको सपोर्ट किया था पूरे SATL ने, तो आप अब हम लोग को डिसअपॉइंट नहीं करेंगे और SATL फैंस को डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। और आप ज़रूर जो आपके पास वॉइस रिकॉर्डिंग्स है, जो आपके पास व्हाट्सएप की रिकॉर्डिंग्स है, और आपको पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, आप प्लीज़ उनको एक अच्छी वीडियो बना के, एक अच्छे नागरिक की तरह, एक अच्छे न्यूट्रल इंसान की तरह शेयर करें। हम आपकी वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे और अप्रिशिएट करेंगे विद ऑल द प्रूफ्स दैट यू हैव, एंड यू नो एंड आई नो दैट आपके पास कितने सारे प्रूफ हैं। तो यार प्लीज़, आई थिंक इट्स टाइम कि आपको और आवाज़ उठानी चाहिए और इस चीज़ को और अच्छे से करते रहना चाहिए। वो बढ़ते हुए लास्ट न्यूज़ की तरफ जो आ रही है गॉडलाइक की तरफ से। तो हेड्स यहाँ पर बताते हैं कि गॉडलाइक ने इंटरनेशनल लाइनअप को साइन कर लिया है, जिसे वो एक्सप्लेन करते हुए नजर आते हैं। एक लाइनअप को हम लोग ने साइन किया आज ही,
So they're gonna be in boot camp very soon, and expect announcement in like 5 to 6 days. And hopefully they represent Gordel in international stage as well. We are very confident in that lineup, and we believe they're gonna do great. Okay, and this is a mobile lineup, and iske baad we're gonna sign a PC. Already baat ho chuka hai PC team se. We're just waiting for some announcement, roadmap, sab confirmation dekh rahe. And yeah, I think PC lineup bhi we're gonna sign in a month or so. Free Fire bhai ban game ke liye kaise sign kare batao. तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं कुछ नए अपडेट के साथ।